नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर हरियाणा की खास खबरों पर। गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा की 36 बिरादरी ने तय कर लिया है अब की बार कांग्रेस की सरकार, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस सत्ता में आ रही है। हुड्डा बोले, कांग्रेस से गठबंधन टूटने की जिम्मेदारी आप। पंचकुला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता ने नामांकन किया दाखिल, हरियाणा भाजपा चुनाव सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव की उपस्थिति में भरा नामांकन। हुड्डा सैलजा की लड़ाई ने अटकाई कांग्रेस की लिस्ट, राहुल गांधी ने देर रात मीटिंग की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा का युवा दलित किसान अपने वोट से कांग्रेस को देगा जवाब। पहलवान विनेश ने कांग्रेस में शामिल होने, बबीता फोगाट ने कहा, विनेश फोगाट ने जल्दबाजी में फैसला लिया, हरियाणा में फिर बनेगी भाजपा सरकार। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरियाणा चुनाव सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव ने कहा, जनता का उत्साह बता रहा है कि हरियाणा में तीसरी बार बन रही है भाजपा की सरकार। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने कहा, टिकट भी एक को ही मिलेगा, सीएम भी एक ही होगा और दोनों को हाईकमान तय करेगा। भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने कहा, गुटों में बटी कांग्रेस का कोई ठोर ठिकाना नहीं है। कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे कन्हैया मित्तल, कहा, हम राम के थे, हैं और रहेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव पिहोवा से भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सिंह का चुनाव लड़ने से इनकार, टिकट लौटाया। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, सोनीपत कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे विधायक बाबा बालकनाथ। आरपीएफ ने अमृतसर हावड़ा मेल से पकड़ा 4 करोड़ का सोना, पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।